अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं न्यू वसीम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैपकट में एक न्यू फिल्टर आया, न्यू इफेक्ट आया है। फिल्टर कह लें, इफेक्ट कह लें, एडिटर कह लें, कुछ भी कह लें, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है, यानी कि इस्तेमाल और यूज़ तो खैर ही होता है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है और वो आप अपनी वीडियो को उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए तो मेरे ख्याल सबसे बेस्ट रहेगा जो शॉर्ट वीडियोज़ बना रहे हैं और जो टिकटॉक बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, इस तरह के जो लोग हैं ना, उनके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा इफेक्ट है इसमें, चार पांच किस्म के इफेक्ट हैं। मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि वो आपने इस्तेमाल कैसे करना है। और बहुत ही बेहतरीन किस्म का वो जो उन्होंने ट्रैकिंग कैमरा ट्रैकिंग के नाम से, इस तरह करके कुछ नाम है, AI कैमरा ट्रैकिंग के नाम से वीडियो आपकी बनेगी। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स और वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा दे सकता है। और आपने इस्तेमाल कैसे करना है मैं बताता हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चैनल पर यूट्यूब, फेसबुक एडिटिंग, चेडिटिंग, ये वो रंबरा की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी तरफ जाए। वीडियो अपलोड करने का मतलब होता है, हाँ, मेरे जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। फालतू बकवास वीडियो नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप वो पूरी वीडियो देखेंगे तो किसी भी मतलब आप जाकर यूट्यूब चैनल पर मेरे देखें, ठीक है, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लाजमी मिलेगी, कोई बकवास वीडियो नहीं होगी। हाँ, ये है कि उसमें जो सब हट के इन्फॉर्मेशन होगी दूसरों से। तो ये अब इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने जो सा न्यू ऑप्शन है कैसे आपने देखना है। वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आएगी। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको दोनों वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। मेरी ये सिंपल वीडियो जो मैंने एडिट नहीं की हुई, ठीक है, ये आप ज़रा गौर से देखें इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी ये वाली वीडियो देखें आप, 5 मिलियन व्यूज आए हैं, ठीक है, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन, काफ़ी किस्म के। अच्छा, आपने इसका रिजल्ट थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। अब जो मैंने वहाँ एडिट किया है उस ऑप्शन पे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे मैंने कैपकट पहले ही खोल के रखा हुआ, ठीक है, यूट्यूब वाली वीडियो को साइड पे कर देते हैं। अच्छा, ये देखें जरा, वो देख ली, अब ये भी देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी ये वाली वीडियो देखें आप, 5 मिलियन व्यूज आए हैं, ठीक है, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन, काफ़ी किस्म के व्यूज़ आए हैं मेरी प्रोफाइल जाके। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है AI का, जैसे ही मैं आपके सामने, मैं ज़रा शुरू से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो कैपकट पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट जो उनसे लिखा होता है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो वीडियो आपने लेनी है जो आपने जिसको एडिट करना है, ठीक है। जैसे कि मेरी अपनी वीडियो है, काफ़ी किस्म की वीडियोस, ठीक है। अब मैं मान लेते जैसे कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यही वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैंने सेलेक्ट की, इधर आपको वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मेरी सिंपल वीडियो आप ये देख सकते हैं। तो इधर आपने इस पर वीडियो पर क्लिक करना, जो आपकी ये वीडियो है ये वाली, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा राइट होंगे ऐसे तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रही है कैमरा ट्रैकिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से दो चीज़ें, कैमरा ट्रैकिंग, AI मोमेंट। अब मैं यहाँ से AI मोमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे AI मोमेंट को सिलेक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं। डायनामिक में यूज़ करना चाहते हैं, जूम में, शेक में या सॉफ्ट में। तो मैं मान लें कि आपको समझाने के लिए शेक इफेक्ट क्लिक कर लेता हूँ। तो ये कम कर देता हूँ, ये प्रोसेसिंग हो रहा है तो इस पे, यानी कि बहुत ही मेरा ख्याल है बढ़िया तक 1 मिनट भी नहीं लगता तो ये आपकी वीडियो प्रोसेस हो जाती है। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो तो हो सकता है कि 3-4 मिनट भी ले ले जिसको आपने एडिट करना है, ठीक है। अब जैसे ही प्रोसेसिंग होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, अब ये मेरे सामने प्रोसेस होके आ गई है। अब आपने इसको छेड़ना नहीं है, जो ये आपको लाइन नज़र आ रही है इसको भी आपने छेड़ना नहीं है। आपने करना क्या, जैसे कि ये आपकी वीडियो है ऊपर, ठीक है, अपने दोनों फिंगर्स थम की मदद से इसको ऐसे हल्का फुल्का ना, पहले इसको शुरू कर लें, शुरू में शुरू से थोड़ा जूम कर दें, फिर दूसरा जो देख रहे हैं ये इफेक्ट रेड हो गया है, इसको थोड़ा सा बैक कर दें, फिर फ्रंट कर दें, इसी तरह ऐसे कर दें, फिर इसको ऊपर नीचे कर दें जैसे आप करना चाहते हैं, साइड पर करना चाहते हैं जैसे साइड पर हो गया, नीचे ऊपर जैसे भी आप करना चाहते हैं वो आप इसको कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। ये आप इस तरह कर दें, इस तरह कर दें, इसको फिर ऊपर कर दें, नीचे कर दें। अब ये देखें, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, ये देखें, देखें ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर आ रही है। तो इस वीडियो का ये फ़ायदा है, इफेक्ट का ये फ़ायदा। इसी तरह ही आप जो है जूम का ऑप्शन अगर पसंद करते हैं तो जूम देख लें, शेक देख लें, सॉफ्ट देख लें, वो आप अपने ऊपर है जो आपको अच्छा लगता है।
तो अगर इस वीडियो से आपको ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी लेटेस्ट वीडियो के लिए, और मैं मज़ीद आपके लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लाता रहूँगा इन्फॉर्मेटिव। मेरी सब वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।